हेलो फ्रेंड, मैं राजेश राठौर, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को तीन ऐसी समस्याएं बताने वाला हूं जिसमें हर एक व्यक्ति फंसा हुआ रहता है। ये ऐसी समस्याएं हैं, ये आपकी जान भी ले सकती है, और ये समस्याएं इनको हल करना आज के जीवन में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ये समस्याएं देखो, पहले नंबर पे क्या आती है, अगर आप बीमार हो या फिर आपके घर में कोई बीमार है या छोटी से छोटी बीमारी हो, आप ये उसको इग्नोर मत करना कि नहीं यार ये तो छोटी सी बीमारी है, गोली से ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बीमारी आप ठीक है उसको क्या है इग्नोर कर देते हो, इलाज नहीं करा देते, आज ठीक हो जाएगी कल ठीक हो जाएगी, वो क्या है धीरे धीरे ठीक तो हो जाती है लेकिन शरीर को इतना कमज़ोर कर देती है कि व्यक्ति ना कुछ करने लायक रहता है, उसकी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पहली समस्या, इसको भी जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म कर दो। दूसरी समस्या है दुश्मनी। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है या फिर आप मानते हो कि यार मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं समझना है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे दुश्मनी पाल कर बैठा हो आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है आपको पता लगाना है। आप सोच लो कि यार मेरे से कौन दुश्मनी कर सकता है, उसको पता लगा कर उससे क्या है एक सॉरी मांग लो। सॉरी मांगने से क्या होगा कि ना तो आप छोटे हो गए ना ही वो बड़ा होगा, लेकिन क्या है बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती है वो ख़त्म हो जाती है। दुश्मनी में क्या है, अगर आपकी मान लो किसी बिजनेस में दुश्मनी है, अगर आपकी किसी आमने सामने दुकान है तो वहाँ पर दुश्मनी, तो ये मान लो कि आप यूँ बोलोगे कि मेरा ग्राहक उधर नहीं जाना चाहिए, उसका ग्राहक मेरे पास नहीं आना चाहिए, इसके चक्कर में क्या है वो ग्राहक तीसरे व्यक्ति के पास में चला जाता है और आप दोनों रह जाते हो। इसीलिए दुश्मनी भी, अगर आपकी पुश्तैनी दुश्मनी है या फिर आपने किसी के 10 लोगों के सामने किसी की इज्जत खराब कर दी है, आप तो सोच रहे हो कि वो कुछ नहीं है लेकिन वो क्या है गांठ बांध के बैठ जाता है। ऐसी समस्याओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और दुश्मनी है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। तीसरी और सबसे ख़तरनाक समस्या है, अगर आपके सर के ऊपर कर्ज है, आप पर कर्ज है, तो कर्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो भरे पूरे परिवार को उजाड़ के रख देता है। उसमें क्या है, ना तो आप सुख चैन से रह सकते हो, ना परिवार सुख चैन से रह सकता है, ना आप सुख चैन से रोटी खा सकते हो, ना परिवार खा सकता है। कर्ज में क्या है, कर्ज एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति अंदर चलता या चला जाता है, उसको क्या है इंटरेस्ट उसका इतना बढ़ता जाता है कि वो उसको ख़त्म नहीं कर पाता है। व्यक्ति सोचता है कि यार मेरी इनकम से मेरा कर्ज उतर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे थोड़ा सा पीछे रिवाइंड में जाओ ना, आपको इतना बड़ा होने की क्या ज़रूरत है, आपके पास कार है तो मोटरसाइकिल पे आ जाओ। किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, उसमें क्या है व्यक्ति आधा तो टेंशन में परेशान रहता है। कर्ज क्या है अच्छे खासे जीवन को बर्बाद कर देता है। कैसे, अगर आपके सिर पर कर्ज है तो ना तो आप सही से जी पाओगे, क्यों, क्योंकि भाई कर्ज तो है सिर पे, ना वो सही से रोटी खा पाता है। आप यहाँ पे कितने दिन के लिए रहने के लिए आए, खूब से खूब 4 दिन की ज़िंदगी यार, उसको खुशी खुशी जियो, ना कि कर्ज तले। कर्ज तले क्या है, व्यक्ति परेशान ही रहता है बस। ये तीन समस्या, अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हैं तीनों, तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, क्योंकि ये है ना ऐसी समस्याएं जीवन को नर्क बना देती। तो ऐसी समस्याएं, और आप कमेंट में मेरे को लिखकर बता सकते हो कि हाँ सर मेरे इसमें भी ऐसी समस्या है, या फिर आप लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।